सामर्थ्य कैसे लें? आइए डिमांडेड फोर टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ वी कैन टेक आउट फ्रॉम द फादर। पिता से हम जो सामर्थ्य पा सकते हैं उसके चार प्रकार मैंने आपको बताए। टू आई कवर्ड इन लास्ट टाइम। दो उनके बाद उनके उनमें से दो के बारे में मैंने पहले बताया। कैन एनीवन से व्हाट आर द टू? कोई बता सकता है वो दो क्या थे? फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक शक्ति, एंड सेकंड इज अ मेंटल स्ट्रेंथ, और दिमागी शक्ति। आई कोटेड एग्जांपल फ्रॉम द बाइबल आल्सो। मैंने बाइबल से उदाहरण भी दिए थे। हालेलुया, हालेलुया। दिस टाइम वी विल सी द मोरल स्ट्रेंथ। अब हम देखेंगे मोरल स्ट्रेंथ, नैतिक शक्ति, एंड द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, और आत्मिक शक्ति। हालेलुया, हालेलुया। आर यू रेडी विद मी? आप तैयार हैं? आवर की वर्ड, व्हाट इज आवर की वर्ड्स? हमारा मुख्य वचन क्या है? आवर की वर्ड्स इज यशाया 40 चैप्टर 31। यशाया का 40वां अध्याय उसका 31वां वचन। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल यूज द एग्जांपल ऑफ ईगल 38 टाइम्स थ्रू द बाइबल, गॉड यूज इट। पूरी बाइबल में चील का उदाहरण, उकाब, उकाब, उकाब का उदाहरण 38 बार हुआ। हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड इज डिपिक्टिंग, लॉर्ड इज रिप्रेजेंटिंग अस लाइक अ ईगल। तो यहोवा यहाँ पर हमारा उदाहरण एक उकाब के नहीं दे रहा है। ईगल गोज टू द टुवर्ड्स द सन। उकाब हमेशा सूरज की ओर उड़ता चला जाता है। हिज माउंट ऑफ सच अ वे दैट ही ट्राई टू रीच टुवर्ड्स द सन। और वो ऐसे उड़ान भरता है कि वो सूरज तक चला जाए। And the Lord is telling us we must be like an eagle and we must also soar and reach towards the God Jesus. और ऐसे ही हमें भी उकाब की तरह यीशु मसीह की ओर उड़ते चले जाना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. So means then we can come to the Lord, emptying ourselves and coming to the Lord and waiting the Lord, waiting in silence to the Lord. और उस ऐसा करके हम प्रभु के पास आ सकते हैं और शांति से उसकी उपस्थिति में रुक सकते हैं। Lord wants to empty yourself. Lord says that your greatest strength is your greatest weakness. प्रभु हमें अपने आप को खाली करने चाहते हैं और वो कहते हैं कि हमारे सबसे बड़े जो हमारा सामर्थ्य है हमारे सबसे बड़ी कमजोरी है। Hallelujah. Hallelujah. When we become weak, we become strong in the name of Jesus. जब हम कमजोर होते हैं तब हम यीशु में सामर्थी होते हैं। I'm not saying that you should not be strong enough. मैं ये नहीं कह रहा कि आप खुद से ताकतवर ना बने। But I'm telling Bible says don't boast yourself that I'm strong, I can do everything. Hallelujah. लेकिन बाइबल कहती है कि आप अपनी सामर्थ्य की बड़ाई ना करें कि मैं सब कुछ कर सकूं। Philippians 4:13 says that I can do everything in the name of Jesus. Hallelujah. फिलिप्पियों 4:13 कहता है कि मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। Now we'll go 2 Timothy 2nd chapter 1st verse. दूसरा तिमोथियस दूसरा अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे। Paul here tells to the Timothy that to be strong in the grace that the Lord Jesus in there the given in the Christ Jesus. यहाँ पर पौलुस तिमोथी को तिमोथियस को मसीह में मिले सामर्थ्य में खुश रहने को कहता है। इसलिए हे मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। हालेलुया, हालेलुया। What is a moral? तो नैतिकता क्या है? Moral means a natural person know what is right, what is wrong. एक साधारण आदमी जिसको इस बात का ज्ञान है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। That is a moral. वो उसकी नैतिकता है। But here we see the context of the Bible. पर बाइबल में इसका क्या संदर्भ है? Hallelujah. Hallelujah. We'll take an example of the eagle. हम उकाब का उदाहरण फिर से लेंगे। As the Bible said. जैसा बाइबल में दिया गया है। Miss that the eagle fly and make its nest into the ledge of the cliff. तो उकाब अपना घोंसला पहाड़ों में जो छेद होते हैं पहाड़ों के ऊपर उनकी चट्टानों पर बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। Why the eagle make its nests on its too high? तो अपना घोंसला इतना ऊंचा क्यों बनाता है? And why the Lord is saying that we soar like an eagle? और प्रभु हमें क्यों उकाब की तरह उड़ने को बोलते हैं? Why the Lord is telling that we have to learn from the eagle? हमें उकाब से क्यों सीखना चाहिए? Hallelujah. Hallelujah. Because that the normal bird only flap and only hop. जो साधारण पक्षी है वह अपने पंख फड़फड़ा के सिर्फ ऐसे कूदते हुए जाते हैं। But the eagle soar on the winds. लेकिन उकाब हवाओं में ऐसे तैरता हुआ जाता है। They're on top on the ledge of the cliff and they watch for the waves of the winds, waves of the winds, and they see the right time to soar on the winds. वह चट्टान पर रुकते हैं और जैसे ही सही हवा का दिशा आता है वो उड़ते हैं, उसमें तैरते हुए चले जाते हैं। They don't fly. वे उड़ते नहीं।
only they glide only that they soar like this. वे हवा में तैरते हुए चले जाते, glide करते हैं. That's why they don't take their power and they don't consume their power. That's why they don't get tired or weak. That Bible says about. और वो उड़ने में अपनी सामर्थ इसीलिए व्यस्त नहीं करते हैं और इसलिए उनके पास सामर्थ बची रहती है. Hallelujah. How the eagle tells to how the eagles teach its eaglet or its baby eagle. अब एक उकाब अपने बच्चे को कैसे सिखाता है? Miss Van, after the 3 months of a span of time, then the baby eagle that what a mother tells must hover over this mother come does a commotion over the nest and due to the commotion that the baby eagle falls down from the nest. जब 3 महीने 3 या 4 महीने हो जाते तब उकाब माँ उकाब क्या करती है, वो अपने घोंसले में गड़बड़ी पैदा करती है, उसे ऐसे तबाह करने की कोशिश करती है जिससे फिर वो बच्चा उकाब उड़ने की कोशिश करने लगे. तो इवेंचुअली वन ऑफ द बेबीज विल बी कम आउट फ्रॉम द नेस्ट एंड इट कम्स कम्स आउट फ्रॉम द नेस्ट लाइक अ स्टोन हेवीली टुवर्ड्स द ग्राउंड. और क्योंकि उसका घोंसला पहाड़ के ऊपर होता है तो जैसे ही वो घोंसला तोड़ दिया जाता है उन बच्चों में से एक पत्थर के समान नीचे गिरता चला जाता है पहाड़ के नीचे. एंड देन दे डोंट नो हाउ टू फ्लाई और उन्हें पता नहीं उड़ते कैसे. And they coming like a heavily to the ground and head towards the ground. और वो सीधा गिरते चले आ रहे हैं. But at the very right time, the mother eagle comes and then take onto the wings and again bring it to the nest. Hallelujah. लेकिन सही समय पर आकर वो माँ उकाब बच्चों को वापस से उठा ले जाती है. Why the eagle does the commotion over the nest? Why? तो उकाब अपने घोंसले में ये गड़बड़ी क्यों पैदा करती है? Hallelujah. Because the eagle wants to teach. It's a eagle. It's a baby eagle. How to fly? This is the process which continues days after days. क्योंकि वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाना चाहती है और यही प्रक्रिया हर दिन चलती रहती है जब तक वो उड़ने नहीं लगते. So now there is a twist in the story. Hallelujah. लेकिन अब यहाँ पे एक twist आता है. One eggs fell off from the nest of the eagle and went to the chicken. अब उकाब के अंडों में से एक अंडा गिर गया और मुर्गी के अंडों में मिल गया. Hallelujah. Hallelujah. They were hatched together and then they're at the right time. Then the chicken has come out from the eggs as well as the baby eagle come out from the egg. और मुर्गी का बच्चा और वो जो उकाब का बच्चा जो वहाँ गिर आया था वो दोनों साथ में पैदा हो जाते हैं. And they grown up simultaneously at the time of time they grown up. और दोनों साथ में बढ़ते हैं. And you know that a chicken how does they fly? They fly only the steps. और आप जानते हैं मुर्गी कैसे उड़ती है, वह सिर्फ ऐसे कदम कदम पे उड़ पाती है. Hallelujah. Hallelujah. In the same way that the baby eagle also learned the habits and the behavior of chickens. और उसी प्रकार से वो उकाब का बच्चा जो उनके साथ पला बड़ा वो भी मुर्गी की चाल चलने लगता है. Hallelujah. Hallelujah. He was born to fly. He was born to soar on the wings. और उसका जन्म हुआ था उड़ने के लिए, ऊपर तैरने के लिए हवा में. But in association of the company, he learned the ways of the worldly chicken. लेकिन मुर्गियों की संगति में रहकर के उसने उन साधारण मुर्गियों की चाल चलन सीख ली. He was not aware the Lord created for what? What is the substance Lord put in his heart and he is supposed to be fly, lift up on a high toward the sun. But he was not able to fly or soar. But he was learned to hop. जो चीज़ यहोवा ने उसके लिए ठहराए रखी थी कि वो उड़े आसमान में सूरज की ओर जाता जाए वो करने के योग्य नहीं रहा वो, अब वो सिर्फ फांद सकता है कदम से कदम. One day what happened that the baby eagle saw a fine feather, a bird eagle flying in the air. Hallelujah. लेकिन एक दिन क्या होता है, ये जो बच्चा उकाब का जो बच्चा है उसने एक दिन एक असली उकाब को उड़ते हुए देखा. Hey chicken, tell me dear, who is this flying over there? और वो एक मुर्गी को पूछता है कि मुझे बता वो उकाब कौन है, वो कौन है वो चिड़िया? Honestly is soaring in the winds, current of winds. और वो कैसे ऐसे हवाओं में तैरता चला जा रहा है? He doesn't flap, he just soar like this without any exertion, any pain, any effort. Effortlessly he was soaring in the winds, current of winds. और वो पूछता है कि उससे तो कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, वो तो बस ऐसे ही उड़ता चला जा रहा है. That's why he was not getting tired. That's why he was not getting weary. The Bible says. और क्योंकि वो पंख नहीं फड़फड़ा रहा इसलिए वो थक भी नहीं रहा. And he was watching like this. Wow. और वो उस उकाब को ऐसे देखता रहा. He asked,
उसने पूछा, Can I fly like this? मैं भी ऐसे उड़ सकता हूँ? Hey, shut up, man. और मुर्गी कहती है कि चुप कर। You cannot fly like this. तू ऐसे नहीं उड़ सकता। You are chicken. तू तो मुर्गी है रे। You are sold in 170 rupees per kg. Hallelujah. मेरा 170 किलो में बिक्री हो जाएगी। You not meant for the fly in an eye on a lift of that air. और तू हवा में ऐसे उड़ नहीं सकता। You are earthly. You are bound to the ground. तू इस धरती के लिए ही बना है। You are not bound to the heaven. You are bound to the ground. तू धरती के लिए बना है, तू स्वर्ग के लिए नहीं बना। So okay, chicken. I got this, and he lived the life like a chicken, and he died like a chicken. Hallelujah. और वो उसे मान भी लेता है और वो बोलता है ठीक है मुर्गी अब अगर यही मेरी जिंदगी है तो क्या कर सकते हैं और वो ऐसे मर भी जाता है। There is a twist in the story. The mother eagle is teaching its baby how to fly or to soar, how to the mount on the wings. But this chicken was in a company with the his baby eagle was in company of the chicken. He didn't learn anything because of due to the we can say bad company. तो एक जगह पर यहाँ पर माँ उकाब थी जो अपने बच्चों को कष्ट ले लेके ऐसे उड़ना सिखाना चाहती थी, बट ये उकाब का बच्चा जो उनमें से भटक के मुर्गियों के बीच पला पड़ा वो ऐसा नहीं उड़ पाया, क्यों? क्योंकि उसकी संगति खराब हो गई थी। सेकंड कुरिन्थियन दूसरा सिक्स्थ चैप्टर 14th वर्स सेज 14वां वचन कहता है दिस इज मैसेज बिटवीन फॉर द 10th एज ऑफ द 20 ईयर 10 टू 20 इयर्स ऑफ एज ऑफ बिलीवर्स ये वचन 10 से 20 साल तक के विश्वासियों के लिए है। This is message from the 20 years to 30 years of the age of believers. ये 20 से 30 साल तक के विश्वासियों के लिए। And so on in so on. और ऐसे ही करते चलते। It's for me also. Hallelujah. ये मेरे लिए भी है। Because Hebrews 4:12 says the word of God like a tool is sword. क्योंकि इब्रानियों के 4:12 में लिखा है कि परमेश्वर की वचन देदारी तलवार है। It cuts to the speaker and it cuts to the listener. Hallelujah. बोलने वाले को भी काटती है और सुनने वाले को भी काटती है। So now 2 Corinthians 6 chapter 14 verse says, "Don't be unequally yoked together with unbelievers, and what common has a light with the darkness." दूसरा कुरिन्थियों 6:14 उसका 14वां वचन कहता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। हालेलुया हालेलुया कोलोसियन फर्स्ट चैप्टर 13 वर्स से डोंट ओपन व्हेन आई से देन ओपन व्हेन आई डोंट से डोंट ओपन बिकॉज़ आई एम कोटिंग द स्क्रिप्चर सो दैट आई एम नॉट स्पीकिंग माय सेल्फ बाइबल सेज हालेलुया कोलोसियन फर्स्ट चैप्टर 13 वर्स सेज द लॉर्ड हैज ब्रॉट अस फ्रॉम द डार्कनेस टू द लाइट आई लव अस सन और कोलोसियों में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार में से उठा करके अपने पुत्र की ज्योति में खड़ा किया है। हालेलुया हालेलुया दैट्स व्हाई बाइबल सेज दैट डोंट एसोसिएट विद अ बैड कंपनी कम आउट फ्रॉम द डार्कनेस टू द लाइट और इसलिए बाइबल कहती है कि बुरी संगति में मत पड़े रहो अंधकार से उठ करके उजाले में आ जाओ दैट्स द मोरल स्ट्रेंथ इज अबाउट टॉकिंग अबाउट टुडेस टॉपिक इज द मोरल स्ट्रेंथ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट और यही है नैतिक शक्ति जिसके बारे में मैं आज बात कर रहा हूं means or when we associate with the wrong people in a bad company what happens to jab hum bure logon ki sangati mein pad jate hain tab kya it changes our thought process ye hamare vicharon ko bhi badalne lagta hai it changes our mindset ve hamare vichardharaon ko badalne lagta hai brain is too dull to retain the academic knowledge brain is too dull to hold academic knowledge हमारा दिमाग इतना इस सक्षम नहीं है कि वो पढ़ाई लिखाई की चीजों को ज्यादा याद रख पाए बट आवर ब्रेन इज टू स्ट्रेंथफुल टू स्ट्रांग टू रिटेन बैड थिंग हालेलुया लेकिन हमारा दिमाग उतना काबिल है कि हम बुरी चीजों को अच्छे से याद रख सकें हालेलुया हालेलुया दैट्स व्हाई आई साइडेड एग्जांपल ऑफ चिकन एंड स्टोरी ऑफ बेबी ईगल इसलिए मैंने मुर्गी और उस उकाब के बच्चे की कहानी सुनाई The wrong thing sticks faster and longer in the life. जो गलत चीजें हैं, वे आपके जीवन में जो भी गलत चीजें हैं, वे जल्दी चिपक जाती हैं आपको। Even if you accepted Jesus Christ in your life, still you're fighting with your bad thoughts of which you lived past life. मसीह का अंगीकार करने के बाद भी आप अपने पुराने जिंदगी के गलत विचारधाराओं, गलत आदतों से अभी भी जूझ रहे हैं। It pollutes the soul. और ये आपके प्राण को दूषित करता है Job 6 chapter 7 verses read please read Ayub के 6th अध्याय का 7वां वचन कहता है Job 6 chapter 7 verses Ayub का 6वां उसका 7वां वचन
means it is, I will tell in summary, till then he is searching out, but means it's pollute your soul, the thing you don't want to do but you are bound to do. वो आपकी आत्मा को, आपके प्राण को दूषित करता है, जो चीज़ आप नहीं करना चाहते पर फिर भी आप कर रहे हैं. अय्यूब 6 अध्याय उसका 7वां वचन, जिन वस्तुओं को मैं छूना भी नहीं चाहता था वही मानो मेरे लिए घिनौना आहार ठहरे हैं. Hallelujah. And the same words in the Romans 17 chapter 19 verse says, Saint Paul says, the thing which I don't want to do but I am doing, that I which I want to do but I am not able to do. Don't open it. Read. Romeo ke saath, Romeo ke saath Saint Paul kehta hai ki jo cheez main nahi karna chahta hu wo karta hu, nahi karna chahta hu karta hu, aur jo cheez main karna chahta hu wo nahi kar pata hu. It means मेरे अंदर कुछ और है. Hallelujah. Means it's your past life, your past thing before accepting the Christ. Even in the Christ, it pollutes your soul, son. So what means it is when your soul is polluted, it makes your decision wrong. You're not able to correct, make a correct decision. जब आपका प्राण दूषित हो जाता है तब वह आपके निर्णय लेने की क्षमता को भी दूषित कर देता है और आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं. इट्स मेक्स यू सैमसन, सेवन सैमसन, बाल घुटा हुआ सैमसन. अच्छा अच्छा, शिमशोन. आप ये आपको एक बाल घुटे हुए शिमशोन जैसा बना देता है, टकले शिमशोन जैसा. आर यू गेटिंग मी? समझ रहे हैं? इट्स क्लियर टू यू? मींस माय वॉइस इज क्लियर टू यू? हालेलुया. क्लियर? हालेलुया. थैंक्स. Who I little go in Old Testament in Jesus 19:16 chapter. Don't open. मैं थोड़ा पुराने नियम से आपको कुछ बताऊंगा. It is mentioned in, it recorded in Jesus 19, न्यायों 19. न्यायों के 19वें अध्याय में लिखा है. And the whole Lord has kept Samson as a Nazarite. और यहोवा ने शिमशोन को नासरी के तौर पे जीने को कहा था. He was a mighty man of valor. और वो बहुत सामर्थी पुरुष था. He is a man who can destroy 1,000 men as a one strike. और वो एक ही बार में 1,000 लोगों को गिरा सकता था. But there was one mistake in his life of Samson that he was associating in the bad company. लेकिन शिमशोन के जीवन में एक गलत चीज हुई कि उसने बुरी संगति में अपने आप को डाल दिया. Lord had chosen the Samson to do his will, but he came, he driven by the spirit of lust. And he spoke his secret of power to a woman. यहोवा ने शिमशोन को बड़े काम करने के लिए, इज़राइल को छुड़ाने के लिए ठहराया था, लेकिन उसने गंदे दोस्ती में पढ़ करके अपना जो उसके सामर्थ का राज है उसने बता दिया. He said that my power is strength in my hair. उसने बता दिया कि उसकी सामर्थ उसके बालों में छुपी है. Then the Philistine people came and grabbed the Samson and they shaved off his head. और तब फिलिस्तीनों ने उसको पकड़ के उसके बाल घुटवा दिए. And all power of Samson's gone totally. The power of the Lord departed Samson. और शिमशोन के पास जितनी भी सामर्थ्य सब की सब चली गई. प्रभु ने जो भी सामर्थ्य थी वो सब निकल गई उसमें से. So that's why that a soul which is sick, which is in bad company, makes you a seven Samson. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी प्राण बुरी संगति में है वह बाल कटे हुए शिमशोन के समान बन जाता है. इट्स लीड्स टू डिस्ट्रक्शन. ये आपका नाश ही लाएगा. Hallelujah. Hallelujah. I'm not scaring you. मैं आपको डरा नहीं रहा. Because of Bible is meant to live earthly life. Hallelujah. क्योंकि Bible आपको इस धरती पे जीवन कैसे जिए ये बताने के लिए. It is not meant for in heaven. In heaven is a blessing. We are holy people. But it's how to pass the life is Bible has given for us. Hallelujah. ये स्वर्गीय जीवन के बारे में नहीं बताती. स्वर्ग में तो हम लोग आशीष में रहेंगे. But धरती पर कैसे जिए Bible वो सिखाती है. So that's why I'm quoting the scripture what Bible says about the life, how to pass the life, how to associate in good company. तो इसीलिए मैं बाइबल से वचन बता रहा हूँ आपको कि कैसे अच्छी संगति में जिए. I will cite an example in a company of my bank. When they crack a joke which is not good, which is filthy joke, I don't like. Even I don't utter, I even don't miss. I give a sign of my face. I make myself as a faceless. मैं अपना उदाहरण दूंगा. मेरे बैंक में जब भी मेरे साथ काम करने वाले लोग कोई गंदा जोक मारते हैं तो मैं अपना चेहरे पे इतनी सी भी कोई उनको प्रतिक्रिया ही नहीं देता हूँ. ना मैं हंसता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिंपल ऐसे मुंह रखता हूँ. So slowly they got to know, notice, they got to know that this man is not associating with me, he is a separate man. और वो लोग समझ जाते हैं कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती, मैं इन लोगों के साथ ये सब में शामिल नहीं होना चाहता. I am not boosting myself. मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा. But I am pressing on how to be like Christ. पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि मसीह में कैसे जिए.
So means that even I don't sit in midst of mockers, sir. जो लोग ठट्टा करते हैं मैं उन लोगों के साथ रहता नहीं. So miss how that's why we can save our soul. और ऐसा ही करके हम अपने प्राण को बचा सकते हैं. Proverbs 16 please read. Proverbs 16 chapter 17 word what says that? नीति वचन 16वां अध्याय उसका 17वां वचन पढ़ेंगे. The highway of the upright is to depart from the evil and be that. And he that keeps his way preserves his soul. Please read in Hindi. बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है. जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है. 1 Corinthians 15 chapter 33 verse says, don't be deceived. What are you saying? Don't be deceived. Evil company corrupts good habits. पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 33वां वचन कहता है, धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है. Even the thing you having good in your life, still it takes out that good thing also from your life. जो चीजें आपके अंदर पहले से ही अच्छी चीजें हैं वो भी निकल जाती है. What? क्या? Bad company. बुरी संगति की वजह से. I will tell a little things. मैं छोटी-छोटी बातें बताऊंगा. Watching the movies, watch the movies. I don't say don't watch movies, but without sexual expression. मूवीज देखिए, मैं मूवीज देखने से मना नहीं करता पर उनमें गंदगी नहीं होनी चाहिए. इवन यू लिसन द न्यूज बट विच न्यूज विच इज हैविंग मोर वायलेंस एंड मोर मिस केसेस ऑफ रेप समथिंग लाइक दैट डोंट डिपार्ट फ्रॉम देयर. और ऐसे न्यूज जिसमें बहुत ही नकारात्मक खबरें हैं जैसे रेप वगैरह ज्यादा उनमें ना उलझा करें. इट विल रिप्लेस योर गुड थिंग विद योर बैड थिंग. और ये आपकी अच्छी चीजों को बुरी चीज आपका ध्यान बुरी चीजों की ओर लेती जाएगी. It will come in your mind and you hover at your mind after one day it will come strike over your mind. I'm telling you practically what happens. और नकारात्मक चीजें ऐसी सुनते रहने से वो आपके दिमाग में बैठती जाएंगी. Even the scene you seen in a movie that will flash your mind. और जो चीज आपने जो दृश्य आपने मूवी में देखा वो भी आपके आंखों के सामने आती रहेगी. And that will pollute your soul and the sin will reign. Uncivil master in your life. और फिर वो आपके प्राण को दूषित कर देगी और फिर पाप आपके ऊपर प्रभुता करने लगेगा. How to overcome? लेकिन इन सब से विजय होके कैसे निकले? Pray 30 minutes apart from your quiet time. दिन में कम से कम आधा घंटा तो प्रार्थना करें शांति से. Apart from your quiet time. अपने शांत रहने के समय के अलावा भी एक आधा घंटा तो प्रार्थना करें. समझो कि आपकी प्रेयर करते हैं आप आधा घंटा एक घंटा उसके अलावा 30 मिनट और करना. हालेलुया. जो हर दिन का तय है उसके अलावा. हालेलुया. एंड टेम्पटेशन कैन नॉट ओवरकम अ प्रेयरफुल मैन और वुमन. क्योंकि जो भी लालसाएं होती हैं वो एक ऐसे आदमी के ऊपर प्रभुता नहीं कर सकती जो हमेशा प्रार्थना करता रहता है. एंड द इवल स्पिरिट गेट डिपार्ट्स फ्रॉम द प्रेयरफुल मैन और वुमन. ऐसा आदमी ऐसा मनुष्य जो हमेशा प्रार्थना में लगा रहता है सारी गंदे विचार उससे दूर होते जाते हैं. सो दैट्स व्हाई यू कैन बिल्ड अप अ गुड थॉट प्रोसेस इन योर लाइफ. तो ऐसा करके आप अपने जीवन में एक अच्छा विचार बना पैदा कर सकते हैं. एंड रिमेन वॉचफुल बिकॉज़ द डेविल इज ऑलवेज एक्टिव टू पोल्यूट योर सोल. और चौकन्ना रहिए क्योंकि शैतान हमेशा इस चीज में लगा रहता है कि कैसे आपके प्राण को दूषित करे. बिकॉज जीसस हिमसेल्फ इज सेड दैट द इविल स्पिरिट व्हेन ही डिपार्ट्स फ्रॉम योर सोल अगेन रिविजिट यू to make a place in your life. Hallelujah. क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा था कि जब दुष्ट आत्मा आप में से निकल जाती है तो वो फिर से आने की कोशिश करती है ताकि आपके घर में और मजबूती से रह सके. दुष्ट आत्मा is not like this. Hallelujah. दुष्ट आत्मा ऐसी नहीं होती. Miss your bad habits, miss your bad things you committed in past life. Again, it comes to make you in your life because you come out from the darkness and you came to the light. आपके पिछले काम भी आपको वापस आ सकते हैं. सब बुरे आदतें भी वापस आ सकती हैं. दुष्ट आत्मा उनके रूप में भी आ सकती है. हालेलुया. हालेलुया. बिकॉज ऑफ 1 Peter डोंट ओपन 1 Peter 5 चैप्टर 8 वर्स सेज द सैटन इज अ रोरिंग लायन एंड इज रेडी टू डेवर द मैन हु इज नॉट एक्टिव ही इज इनएक्टिव इन क्राइस्ट. क्योंकि पहला पत्रस 5वें अध्याय के 8 में लिखा है कि शैतान दहाड़ता हुआ शेर है और वो हमेशा चीर फाड़ने के लिए तैयार रहता है उस आदमी को जो ध्यान नहीं लगा रहा. जो those who are not prayerful or watchful in his life. जो अपने जीवन में चौकन्ना नहीं रहते जो प्रार्थना नहीं करते रहते उन लोगों को. James 4:7 says. याकूब 4 अध्याय उसका 7वां वचन कहता है. Submit to the Christ. अपने आप को मसीह के अधीन कर दीजिए. And resist the devil.
और शैतान को दूर भगाइए. Then he will flee from you. और वो आपसे दूर भाग जाए. Hallelujah. Without submitting to Christ, you cannot make to lion or Satan to fly off. अपने आप को मसीह को सौंप देने के बजाय उसके अधीन बिना you cannot fight. उसके अधीन आ जाने के बिना आप शैतान को दूर नहीं भगा सकते. Hallelujah. तो दिस इज अबाउट द मोरल स्ट्रेंथ. तो ये थी नैतिक शक्ति. नाउ आई विल टेल द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ. अब मैं आत्मिक शक्ति के बारे में बात करूंगा. सो वी हैव बीन ग्राउंडेड नाउ. तो अब हम धरती पर हैं. वी हैड बीन ग्राउंडेड टिल दिस टाइम. अब तक हमने सिर्फ भूमिका बनाई. अभी अभी जो मैसेज दिया उसमें क्या हुआ, हमारी सोल ग्राउंडेड हो गई. अब इसको मेरे को हेवन पहुंचाना. हालेलुया हालेलुया. सो नाउ आई विल रीड डिट्रोनॉमी 32:11. डिट्रोनॉमी 32:11 व्यवस्था विवरण 32वां उसका 11वां वचन पढ़ेंगे. एज एन ईगल स्पेयर्स अप इट्स नेस्ट ओवर्स ओवर इट्स यंग स्प्रेडिंग आउट द विंग्स एंड द मूव्स अराउंड देम. 11 Deuteronomy but 32:11 please. जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों को ऊपर ऊपर मंडलाता है वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया. सेम वे उसी तरह द लॉर्ड केयर्स फॉर अस. प्रभु भी हमारे लिए चिंता करता है. Why you not a cited example, made example like an eagle? मैंने उकाब का उदाहरण क्यों दिया? Because the eagle is destined to the heaven. क्योंकि ये उसके लिए ठहरा रखा है कि वो स्वर्ग तक जाए. Because he flies, he cannot see it, he flies so high. वह इतना ऊपर उड़ता है कि हम उसे देख नहीं सकते उड़ते हुए. As a life of believers, तो एक विश्वासी का भी जीवन. Lord has raised us too high. प्रभु ने भी हमें उतना ही ऊंचा उठाया है. Because we have citizenship of heaven. क्योंकि हम स्वर्ग के निवासी हैं. Hallelujah. Hallelujah. We have not been meant for the ground. हम इस धरती के लिए नहीं बनाए गए. We are meant for the heaven. हम स्वर्ग के लिए बनाए गए. We will read Ephesians 2:6. Ephesians 2:6 उसका 6वां वचन पढ़ेंगे. विषयों का 2 उसका 6वां वचन. और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसे को बैठा दिया. हालेलुया हालेलुया. मींस हियर द सेंट पॉल सेज. यहां पर संत पॉलस कहते हैं. ही यूजिंग पास्ट टेंस. यहां पर वो भूतकाल वाले शब्द यूज कर रहे हैं. यू आर ऑलरेडी सीटेड इन द हेवन. आप पहले से ही स्वर्ग में बिठाए गए हैं. द मोमेंट यू बिलीव अनटू द जीसस क्राइस्ट. जैसे ही आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया. आवर सोल is destined to the heaven. Very moment. हमारा प्राण उसी क्षण यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में बैठ गया. Revelation 3:21 read please. प्रकाशित वाक्य का 3 उसका 21वां वचन पढ़ेंगे. We are sitting with Christ in heaven on a throne. We are sitting with Christ in heaven on a throne. जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया. हालेलुया हालेलुया. मींस आवर इज डेस्टिनेशन इज अ हेवनली. तो हमारा जो गंतव्य है वह स्वर्ग को है. वी हैव अ पासपोर्ट ऑफ द हेवन. हमारे पास स्वर्ग का पासपोर्ट है. मींस द क्राइस्ट इज सिटिंग इज सिटिंग इज सीटेड इन अ हेवन सेम वे वी आर सीटेड इन हेवन राइट नाउ. जैसे मसीह स्वर्ग में बैठे हैं उसी प्रकार हम भी स्वर्ग में बैठे हैं इसी वक्त. Right now, Tiwari is sitting in a heaven. Right now, हम Tiwari स्वर्ग में हैं. Samuel is sitting in a heaven right now. Samuel भी स्वर्ग में है. Sister Sangeeta is sitting in a heaven right now. Sangeeta भी स्वर्ग में है. And everyone is sitting in heaven right now. सब लोग यहाँ पे स्वर्ग में हैं. Because I don't say my simple Bible says that the moment we believe unto the Christ, we are seated in heavenly throne with the Christ Jesus. मैं ऐसा नहीं कह रहा. बाइबल ऐसा कहती है कि जैसे ही हम मसीह का अंगीकार करें हमारा प्राण स्वर्ग में यीशु के साथ बैठ जाता है. That's why Bible depicts it as that we are just like a eagle, not to hop but to soar. और इसीलिए बाइबल कहती है कि हम उकाब के नहीं हैं. हमें कूदते नहीं रहना है, हमें उड़ना है. Birds fly from here to there or little and they're tired and they get exhausted. But the eagle waits for the current of the waves from the cliff, less of the cliff, and the very moment then the wind comes and then he soars. जो साधारण चिड़ियाँ होती हैं
वह एक टहने से दूसरे टहने तक छोटी ही दूरी तय कर पाती है और वो थक जाती है। लेकिन उकाब क्या करता है, वह चट्टान के ऊपर बैठा रहता है और वह इंतजार करता है कि कब सही हवा आएगी और मैं उसमें बहता हुआ चला जाऊंगा। I will cite an example. मैं एक और उदाहरण पेश करता हूँ। You might have used that the bicycle. आपने साइकिल तो चलाई होगी। What I used to do that the one step up that one some road which is on a highway and I used to sit and I used to leave myself. I'm not able to pedal it. मैं एक ऊंचे से स्थान पर चला जाता था और जैसे जहाँ से नीचे ढलान होती थी वहाँ ऊपर चला जाता था और साइकिल को एक एक मारता था और फिर वो साइकिल just I leave the brakes and it falls off. मैं ऐसे वहाँ पे खड़े होकर ब्रेक छोड़ देता था और साइकिल अपने आप ढलान के नीचे जाती रहती थी। Effortlessly. मैं कुछ कर ही नहीं रहा था। Hallelujah. Hallelujah. Lord, that same way that is I will not get tired because in the same way eagle does. But if you go opposite to the gravity, you have to put effort. If you climb again to where you were, then you have to put effort. तो उसी प्रकार से एक उकाब भी नहीं थकता जैसे मैं साइकिल पे नहीं थका था, बट अगर मैं ग्रेविटी के खिलाफ जाता हूँ तो मुझे काम करना पड़ेगा और मैं थक जाऊँगा। बिकॉज आई हैव टू कट द अप टू कट अगेंस्ट द ग्रेविटी। बट व्हाट द लॉर्ड हैज गिवन अ मैजेस्टिक क्रिएशन द ईगल, लॉर्ड हैज गिवन अ सो हाई ब्रेन दैट यूज द करेंट्स एंड ही सिंपली ही डजंट फ्लैप बट ही जस्ट स्लाइड। लेकिन यहोवा ने एक उकाब का दिमाग इतना अच्छे से विकसित बनाया है कि वो देखता है कि हवा कब आएगी और वो ऐसे ही उड़ता चला जाता है। What is the secret? तो इसके पीछे उसका राज क्या है? My key verse is Yeshaya 61:1 and Psalm 62:1. The soul waits on the Lord in silence. तो यहाँ पे मेरा मुख्य वचन यशाया 61:1 और भजन संहिता 62:1 है कि प्राण प्रभु के लिए शांति से इंतजार करता रहता है। इन द सेम वे ईगल इन हाई लेज ऑफ द क्लिफ एंड इज वेटिंग द राइट वेव्स ऑफ द करंट एंड द राइट वेव्स कम देन ही स्लाइड्स ऑन। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक उकाब चट्टान पर बैठ करके सही हवा की दिशा आने का इंतजार करता है। इन द सेम वे वी हैव टू आल्सो वेट ऑफ द लॉर्ड साइलेंटली with the, and we should not boast our strength and await the correct time of the Lord, और the correct opportunity of the Lord. और वैसे ही हमें भी शांति से प्रभु का इंतजार करना है, जैसे ही प्रभु हमें सही मौका देंगे वैसे ही हमें उड़ना। Hallelujah. Hallelujah. Because John 7 chapter 38 verse says, क्योंकि योहन्ना के 7वें अध्याय के 38वें वचन में लिखा है, Because Bible says that he is the source of the living water. Christ is the source of living water. मसीह जीवन जल के का सोता है। And we take the water from the pipe. और हम पाइप से वो पानी लेते हैं। And the, as much as that the water comes to the pipe, we can deliver the same amount of water outside. और जितना पाइप से बहकर के आता है, हम उतना ही बाहर भी दे देते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Are you getting me? आप समझ रहे हैं? How much strength we are getting from the Christ, we can deliver to this world. जितनी सामर्थ्य हम यीशु से पाते हैं उतना ही हम संसार में बांट सकते हैं। Because there is the desert in the world, there is no hope in the world. People are perishing. They don't know Christ. They're in dry land. क्योंकि संसार में कोई आशा नहीं, एकदम डेजर्ट के जैसा है, एकदम रेगिस्तान के जैसा है, लोग मसीह को जाने बिना ही नष्ट हो रहे हैं। As much as we drink from the Christ, we can deliver to this world. तो हम जितना जितना यीशु से लेंगे उतना ही हम इस संसार को दे सकते हैं। Miss more intake from the Christ as a pipe and more outtake to the world, more blessing to the world. तो हम एक पाइप की तरह ज़्यादा-ज़्यादा प्रभु से आशीषें लेकर के संसार को दे दें। Hallelujah. 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 And now, after the age of 60 years, the eagle there the process of changement in the life of eagle at the age of 60 or 70. 60 या 70 साल के हो जाने के बाद एक उकाब के जीवन में परिवर्तन आता है। There is what is that? His claws, his beak, and he just disrupt himself. वे अपने चोंच को मार मार कर उस अपने ही शरीर को तोड़ मोड़ करने लगता है। And then he gets new feathers. और उसे नए पंख भी मिल जाते हैं। Again he lives for the another 30 years. He lives up to 120 years. और ऐसा करके वह और 30 साल तक जीने लगता है। कुल मिलाकर वो 120 साल तक जी सकता है। Means this is the changement or a thought process in the life of eagle. तो एक उकाब के जीवन में उसके सोच विचार में भी परिवर्तन आ जाता है। Hallelujah. Hallelujah. If he doesn't go for the changement in his life,
अगर वो अपने जीवन में परिवर्तन को ना आने दे, then he will die at the age of 70. तो वो 60-70 साल की उम्र में ही मर जाएगा. Hallelujah. Hallelujah. We'll read Psalm 103 chapter 5th verse. What does it say? हम भजन 103 उसका पांचवा वचन पढ़ते हैं. Please read it. Your youth is renewed like an eagle. भजन संहिता 103 उसका पांचवा वचन. वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है. Hallelujah. 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 Because if the changement process, the eagle does not go from the changement process, then he will die. तो अगर उकाब ऐसा परिवर्तन अपने जीवन में ना लाए तो वो मर जाएगा. Hallelujah. Hallelujah. In the same way, in our life, if we take example in our life, if we don't allow the Holy Spirit to deal our sinful life or any habit, we are fighting and we are not overcoming, then we will spiritually die. Hallelujah. तो इसी प्रकार से अगर हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में काम ना करने दें, हमारे सब बुरी आदतों से उसको ठीक ना करने दें, तो उसी प्रकार से हमारी भी आत्मिक मृत्यु हो जाएगी. Give your sinful habit to the Holy Spirit. अपने सारे पाप वाले आदतों को पवित्र आत्मा को सौंप दें. So the changement is necessary in the life of eagle to renew his strength. तो अपने सामर्थ्य को नया कर देने के लिए एक उकाब के जीवन में परिवर्तन आना जरूरी है. Hallelujah. Hallelujah. Means that eagle is not low earth. Eagle is not meant for the earthly things. तो इसका मतलब एक उकाब इस संसार की चीजों के लिए नहीं ठहराया गया है. We'll read Colossians 3rd chapter 1st verse, please read. कोलोसियों तीसरा अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे. Because we are already seated in heavenly places. क्योंकि हम पहले से ही स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं. What Colossians 3rd chapter 1st verse says. लेकिन कोलोसियों का तीसरा अध्याय पहला वचन क्या कहता है? अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है. हालेलुया. 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 मींस द मोमेंट मींस ईगल, अगेन वी टेक एग्जांपल ऑफ ईगल, इफ यू इंप्रिजन द ईगल, व्हाट विल हैपन? अगर आप एक उकाब को कैद करके रखेंगे तो क्या होगा? ईगल इज अ क्लीनेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड. उकाब को इस संसार में सबसे साफ रहने वाला पक्षी माना जाता है. If you put him in a prison, then he become a dirtiest bird in this world. लेकिन अगर आप उसको कैद करके रखेंगे तो सबसे गंदा पक्षी बनके दिखाएगा. Are you getting what I'm saying? आप समझ रहे हैं? We are like an eagle. हम भी उकाब के ही जैसे हैं. Bible said in 38 times. बाइबल ने 38 बार उकाब का प्रयोग किया है. If we come in clutches of the devil under imprisonment, अगर हम शैतान के कैद में आ जाते हैं, we become dirtiest. तो हम भी वैसे ही सबसे गंदे हो जाते हैं. Hallelujah. We are made in image and likeness of Christ Jesus. क्योंकि हमें तो यीशु मसीह के समानता में बनाया गया है. We made clean. हमें साफ बनाया गया है. We have right standing with Christ. हम मसीह के दाहिने ओर खड़े हैं. We have adopted in the heavenly God's family. और हमें स्वर्गीय परिवार में गोद लिया गया है. We are justified. हम सिद्ध किए गए हैं. And we are destined to the heaven. और हम स्वर्गीय स्थान के लिए बनाए गए. We have a heavenly passport. And we have a deposit in the Holy Spirit. हमारे पास स्वर्ग का पासपोर्ट है और पवित्र आत्मा में एक डिपॉजिटेड वसीयत है. Hallelujah. So the moment we allow Satan to make us in imprisonment, we don't allow Holy Spirit to take, we don't give our sinful habits to the Holy Spirit, and if we allow the Satan, then we led astray, we become a dirtiest soul in this world. तो जब तक हम पवित्र आत्मा को हमारी गंदी चीज़ों को ठीक नहीं करने देते, अपने आप को शैतान के हाथ में पड़ जाने देते हैं, हम सबसे गंदे जीव बनते जाते हैं. Hallelujah. Hallelujah. And imagine that the eagle, this creation being, he become dirty, doesn't like to be in imprisonment. See, think what the Lord has put a substance in eagle. और प्रभु ने एक उकाब को ऐसा बनाया है कि उसे हमेशा साफ सुथरा रहना पसंद है, फिर भी कैद में आने के बाद वो गंदा होता जा रहा है. Means he doesn't allow to be put into himself in prison. He wants to fly and soar in the air. तो वो पहले से ही अपने आप को बंधुआई में नहीं आना पसंद करेगा, वो उड़ते रहना चाहता है. So how much we must press on to the Lord
that we should not come under the clips, under the clutches of the devil. तो हमें भी कितना लगे रहना चाहिए प्रभु के साथ कि हम शैतान के पंजे में ना आ जाएं. Hallelujah. Hallelujah. Because Lord has destined into the heaven, the heavenly. क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय चीजों के लिए ठहरा रखा है. So that in the same way, Lord has decided as a, like an eagle, we have to wait on the Lord silently and wait for the current wind. तो हमें भी उकाब के समान परमेश्वर के लिए शांति से उसका इंतजार करना है कि कब सही हवा का झोंका आएगा. And we have not to silently wait and doing nothing. Hallelujah. लेकिन शांति से इंतजार करना मतलब ये नहीं कि कुछ करो ही मत. Sitting silently doing nothing. I'm waiting on the Lord. Hallelujah. मैं शांति से बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्रभु का इंतजार कर रहा हूँ. Hallelujah. Hallelujah. We have to pray. हमें प्रार्थना करना है. Apart from our daily devotion, 30 minutes more. रोजमर्रा की बाइबल पढ़ने प्रार्थना करने के अलावा अलग से आधा घंटा प्रार्थना करना है. I will tell an example of how the soldier does. मैं एक सैनिक का उदाहरण दूंगा. I told about that I told six elements of the armor of the Lord last time. मैंने पहले परमेश्वर के हथियार के छह हथियार के बारे में बताया. So and the seventh one is the communication with the Lord. अभी सातवां है परमेश्वर के साथ बातचीत करते रहना. Hebrews 12:11 says that we our commander in chief is Jesus Christ. इब्रानियों 12वां के 11वें में लिखा है कि हमारा जो सेनापति है वो यीशु मसीह है. So we have to always in touch with the Christ. Hallelujah, Jesus. तो हमें हमेशा यीशु मसीह के साथ बात करते रहना चाहिए. Hallelujah, Hallelujah, Jesus. Hello, यीशु. We have to pray always. Hallelujah, Jesus. हमें हमेशा उससे प्रार्थना करती रहनी चाहिए. Hallelujah. Hallelujah. Not only sitting idle, waiting on the soul in the silence of the Lord. We have to pray also. Hallelujah, Jesus. ऐसे खाली नहीं बैठे रहना है, यीशु से प्रार्थना करनी है. Psalm 119:168 says that David prayed 7 times. 119 उसका 168 वचन कहता है कि दाऊद ने 7 बार प्रार्थना की. David used to pray 3 times. दाऊद नहीं डेविड नहीं डैनियल डैनियल 3 बार प्रार्थना किया करता था. एंड इन सम आल्सो द डेविड सेड आई प्रेड 3 ट्राइस इन अ डे. और भजन संहिता में भी दाऊद कहता है कि मैंने दिन में 3 बार प्रार्थना की. इन मॉर्निंग सुबह, इन इवनिंग शाम में, इन अ नाइट और रात में. एंड वी व्हेन वी प्रे व्हेन वी रीड द बाइबल गॉड हैज स्पीक टू अस एंड व्हेन वी प्रे वी स्पीक टू द लॉर्ड. जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब परमेश्वर हमसे बात करता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर से बात करते हैं. So we get the revelation from the Lord. तो ऐसे हमें उसे प्रकाशन मिलता है. We get that the typing and spiritual strength from the Lord. हम उससे सामर्थ्य पाते हैं, आत्मिक सामर्थ्य पाते हैं. Our desert life becomes a valley of a river. और हमारा जो रेगिस्तान जैसी जो बंजर जमीन थी हमारी जिंदगी थी वह नदी बहती हुई जमीन बन जाती है. That's why we soar on the wings. और तब हम अपने पंख फैलाकर उड़ पाते हैं. So we are destined to fly like an eagle. तो हमारा हम ठहराए गए कि हम एक उकाब के समान उड़ें. So we must know the truth and the scripture deeply. तो इसलिए हमें वचन को और गहराई से जानने की जरूरत है. We should not pass life like a chicken. एक मुर्गे के जैसे नहीं जीना है. We only hope that he only hope. जो हमेशा कूदता फांदता रहता है सिर्फ. We are like eagle to fly to touch the sky to reach to the God. हमें उकाब के समान उड़ना है और सूरज की ओर, आसमान की ओर जाना है, परमेश्वर की ओर. Let's close our eyes.